हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष रंजन और आप देख रहे हैं ट्रू कार इंडिया। और आज मैं बात करने वाला हूं हुंडई की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का, जो कि काफ़ी एंटिसिपेटेड है और इटली के मिलान खूबसूरत शहर में लॉन्च की गई है, दिखाई गई है सारी मार्केट को। ये खास वहां हो जाती है क्योंकि इंडिया में हुंडई क्रेटा और हुंडई i20 के बीच में कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी है नहीं एक्चुअल में, जहाँ पर वो होंडा WRV या विटारा ब्रेजा जैसी कार से कम्पीट कर पाए। ये इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के क्या फीचर्स होंगे, सेफ्टी कंफर्ट में क्या डेवलपमेंट की गई है और इंजन में क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो हमारे साथ देखते रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर यहाँ पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाइए जिसकी वजह से आपको हमारे सारे अपडेट्स सही वक्त पे मिलते रहेंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर में बात करते हैं, तो इसे काफ़ी SUV लुक दिया गया है और इसका अपराइट पोजीशन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। फ्रंट फेस बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी हुंडई पैटर्न पे अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। सबसे पहले इसके अंदर स्लीक LED लाइट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि हेडलैम्प के ऊपर हैं, इस बार हेडलैम्प के नीचे नहीं है, और हेडलैम्प्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट मिलेगा और ग्रिल के काफ़ी पास होता है, और वही सिग्नेचर हुंडई का ग्रिल काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगने वाला है। साथ ही चारों तरफ प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई हैं, जो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी। पीछे से इसे देखें तो न्यू अपकमिंग i20 और जो अभी फ़िलहाल चल रही है i20, उससे काफ़ी रिजेम्बलेंस करती है इसकी टेल लाइट्स और बैक डिज़ाइन। उसके अलावा ये टोटली डिफरेंट है अंदर से भी, बाहर से भी और टेक्नोलॉजी में भी। तो चलिए इसके इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर में सबसे पहले आपको इसका न्यूली डिज़ाइन स्टेयरिंग व्हील मिलता है। स्टेयरिंग व्हील के साथ साथ आपको उस पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे म्यूज़िक के लिए और टेलीफोनिक कंट्रोल्स। साथ ही इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप 7-9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्क्रीन साइज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही मिररिंग सपोर्ट होगा, जिससे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके आपके मोबाइल फ़ोन जैसी ही स्क्रीन रेप्लिकेट करेगी आपके कार की स्क्रीन को। और इसके अंदर काफ़ी स्पेस दिया गया है क्योंकि ये दूसरे देशों में 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी। इंडिया में अगर इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो 4 मीटर से कम कर दिया जाएगा, बिकॉज इंडियन रूल के हिसाब से 4 मीटर से एक्सटेंड होने वाली सभी कार्स पे एक एडेड टैक्स लगता है। तो उसके अलावा शायद इसमें कुछ कमी फील हो अगर ये इंडिया में आए। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी स्पेशियस और बोल्स्टर स्पोर्टी सीट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि वहाँ पे हीटेड सीट और वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन के साथ आती हैं, जो कि फ़ीचर आपको वेंटिलेटर और हीटर वाला फ़ीचर आपको स्टेयरिंग व्हील पे भी मिलता है। अगर आप रियर में देखें तो काफ़ी स्पेशियस और 3 अपरेस्ट बैठने के लिए काफ़ी जगह होगी। साथ ही इसके बड़े साइज़ के विंडोज़ आपको काफ़ी एरी और स्पेशियस फील करवाते हैं। अब चलिए, इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं जो कि पहली बार आप हुंडई में देखेंगे अगर वो इंडिया में आई, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, साइड लेन डिपार्चर वार्निंग, और उसके अलावा कुछ अलग सेफ्टी फीचर्स लाइक 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, और अपर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स हो सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वहाँ पर यूज़फुल होता है जब आप हाईवे पर जा रहे हैं, क्रूज़ कंट्रोल आपका एक्टिव है, साथ ही सामने वाली गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी साथ में कम हो जाती है। अगर सामने वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो आपकी गाड़ी उसको कोप अप करने के लिए मैनेज करेगी और वहाँ पे आपके लेन को फॉलो करेगी। आप अगर गलती से लेन के बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक वार्निंग देती है। तो ये सारे फीचर्स बदकिस्मती से इंडिया में नहीं अवेलेबल होंगे अगर ये इंडिया में आती है कार, क्योंकि इंडियन लीगल इशू के हिसाब से यहाँ पे कोई भी अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, चाहे वो कितनी ही महंगी गाड़ी हो, रोल्स रॉयस जैसी मर्सिडीज़ जैसी कार्स हो, उसके अंदर अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता। ये ऐसा हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आता किस वजह से होता है, मगर उम्मीद करते हैं ये फ्यूचर में रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसके अंदर इतने सारे फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स ऐड किए गए हैं कि दूसरे देशों में शायद ये 12 लाख से स्टार्ट हो गया 18 लाख के बीच में इंट्रोड्यूस की जाए। अब आप कहेंगे कि इंडिया के हिसाब से तो ये काफ़ी महंगी है। जी हाँ, जब ये इंडिया में आएगी बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस की जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले इसका 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन। जी हाँ, उसके अंदर 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन दूसरे देशों में यूज़ किया जाएगा, जो कि टर्बो चार्ज है, जो कि 120 bhp से भी ज़्यादा पावर निकाल सकता है। देखिए, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद आपको ऐसे इंजन की एक्सपेक्टेशन होती है। जब वो इंडिया में आती है तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए अक्सर मैन्युफैक्चरर्स उसका इंजन छोटा कर देते हैं, लाइक i20 में हुआ था। पेट्रोल इंजन इज़ नॉट वेरी पैपी, आपको ज़रूर लैग फील होगा। उसी के अलावा इसके अंदर 4 मीटर से साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, नियर अबाउट 3.999। सो ये आपको स्पेस में भी थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा।
साथ ही इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर जो मैंने आपको बताया इंडिया में नहीं इस्तेमाल हो सकते, उसे भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल थोड़ी सी सस्ती हो सकती है कि इंडियन डेवलपिंग मार्केट है तो वहाँ पे इसे लोग पसंद कर पाए और कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये कोप अप भी कर पाए। अगर इस कार के लॉन्च की बात करें तो इंडिया में हुंडई इस कार को 2019 से पहले लॉन्च नहीं कर सकती। कहिए क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट आपको दोबारा से करने पड़ेंगे, साइज छोटा करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म डिफरेंट बनाना पड़ेगा और कॉस्ट कटिंग के लिए इधर उधर चीज़ें। वैसे लोगों ने इसे एंटिसिपेट इसलिए कर रखा था क्योंकि हुंडई ने अनाउंस किया था कि वो 3 कार 2020 तक इंट्रोड्यूस करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। उसमें से एक छोटी हैचबैक, एक मिनी एसयूवी और एक सेडान हो सकती है। तो हैचबैक और सेडान का पता नहीं, बट ये मिनी एसयूवी ज़रूर है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसे हम इंडिया में देख पाएंगे, मगर बदकिस्मती से 2019 या 20 तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, और अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे सारे अपडेट्स सही वक्त पे मिलते रहेंगे। और अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप YouTube कमेंट्स में जाके भी सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जा सकते हैं, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। वहाँ पे भी हम टोटल डिफरेंट डेली अपडेट्स डालते हैं, उस वर्क को भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमें ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो गुड बाय, गुड लक एंड सेफ ड्राइविंग।